जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज तंत्र शास्त्र से एक ऐसे तंत्र की आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जिस तंत्र के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने समीप बुला सकता है, अपने पास बुला सकता है और अपने कहे अनुसार उसको रख सकता है। जैसा वो चाहेगा सामने वाला व्यक्ति उसी तरह का वर्तन करेगा, उस व्यक्ति में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लग जाएंगे। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र में काफ़ी ऐसे तंत्र हैं, काफ़ी ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिनके द्वारा साधारण से साधारण मनुष्य भी ऐसे उपायों को करके अपने जीवन को बहुत ही सरल और आसान बना सकते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, इनके प्रचार प्रसार में यदि आपको भी आनंद आता है, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल में इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एक ऐसे तंत्र के बारे में कि जिस तंत्र के जरिए सामान्य व्यक्ति भी, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने इच्छा अनुसार अपने प्रिय पात्र को अपने पास बुला सकता है, और यदि वह व्यक्ति उसके समीप ही है, उसके साथ ही रहता है, तो वह व्यक्ति उसके साथ प्रेम पूर्वक जीने लग जाएगा, उसकी सारी बातें वो हंस के मानने लग जाएगा। दोस्तों, यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, लेकिन इस उपाय को आपको करना है सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसके लिए जो आपको सामग्री चाहिए, उसमें आपको एक काला कपड़ा चाहिए और आपको चार अपनी जो मुट्ठी है वो मुट्ठी भर आपको काली उड़द की दाल चाहिए। एक मिट्टी का दीपक चाहिए जिसमें आपको सरसों के तेल से उस दीपक को जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख कर आपको बैठना है। इस क्रिया को आपको जब आप सोने जा रहे हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या से जब आप निवृत्त हो जाते हैं, फुर्सत हो जाते हैं, इसके बाद आप स्वच्छ होकर के इस क्रिया को करें। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहे, इस तरीके से आपको बैठना है और जमीन पर आप एक काला कपड़ा बिछा लें। इस काले कपड़े के मध्य में आप जो कोई भी व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं आपके समीप बुलाना या आपके कहे अनुसार रखना, उस व्यक्ति का आप नाम लिख दें। उस नाम लिखने के बाद में जो कपड़ा है उसके चारों कोने पर आप उसको उड़द की दाल जो आपके पास में है उससे कील दें। कील दें का मतलब वहाँ कील नहीं गाड़नी है, आपको चारों कोनों पर एक एक उड़द की दाल रख देनी है। चार उड़द की दाल आप चारों कोनों पर रख दें। ध्यान रहे, एक एक ही दाल रखनी है। दाल को इस तरह से रखना है कि वो उड़े नहीं। यदि ऐसा लगता है तो उसको आप ढक दें, चारों कोनों को किसी भी बर्तन से या किसी भी तरह से आप उसको ढक दें, लेकिन वो दबनी चाहिए नहीं। तो इसलिए उस पर कोई पत्थर या इत्यादि ऐसी कोई भी चीज़ रखना नहीं है। अब उसके सामने आप सरसों के तेल का दीपक जला दें। अब ये जो तंत्र है, इस तंत्र को आपको पूरी रात रहने देना है। ध्यान ये रखना है आपको कि दीपक बुझना चाहिए नहीं, दीपक पूरी रात जलना चाहिए। अगले दिन सवेरे, दूसरे दिन सवेरे आप अपने नित्य कर्म से फुर्सत होने के बाद में उस दिन में कभी भी पूरे दिन के दौरान, लेकिन आप जब भी इसको उठाएंगे तब तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो सूर्योदय के साथ ही इसको उठा सकते हैं, या फिर जब तक आप रखना चाहें इसको, जब तक आपके पास में समय हो इसको ले जाने का, तब तक दीपक अवश्य जलता रहना चाहिए। यह इसकी पहली और खास शर्त है कि जब आप इस तंत्र को रखते हैं तब से लेकर जब तक इस तंत्र को आप उठाते नहीं हैं तब तक दिया जलता रहना चाहिए। अब जब आप इसको उठाते हैं, इसके बाद दिया भले जलता है या बाद में बुझ जाता है, तो जो आपने चार दाने रखे थे उसको आप अलग से रख लीजिए अपने पास में,
और ये जो उड़द की दाल थी जिससे आपने नाम लिखा था, इसको उसी काले कपड़े में आप बांध लीजिए। अब इसको ले जा कर के आप किसी भी व्यक्ति को, कोई ज़रूरतमंद को, किसी को भी आप दे दें। और देने के बाद में जैसे ही आप मुड़ते हैं अपने घर के तरफ, जैसे ही आप मुड़ते हैं, वो जो चार दाने आपने रखे थे, वो चार दाने आप जमीन में डालकर उसको पैर से रगड़ दें। संपूर्ण रात्रि के दौरान इस तंत्र में वह व्यक्ति इन्हीं चार दानों में उसकी भावना पूर्ण रूप से बंध गई थी। जब आप इसको पैर से रगड़ देंगे, इसके बाद वह व्यक्ति कभी भी आपसे ऊपर होने की या आपके सामने होने की कोशिश तक नहीं करेगा। आप जो बात कहेंगे, जिस तरह से उसको काम बताएंगे, वह बात को वो उतनी ही प्रेम से और उतनी ही प्रेम से उस कार्य को करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।